हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आज आपके सामने फिर एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ, तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो आइए मैं इसका नाप बता देती हूँ। हमने ये सारे टुकड़े 4.5-4 इंच के लिए हैं, 4 इंच की चौड़ाई और 4 इंच की लंबाई। तो क्या करेंगे, 2 पीस ये ले लेंगे, 4 पीस ये वाइट ले लेंगे, 4 पीस ये ले लेंगे और 6 पीस ये ले लेंगे ब्लैक कलर के। तो पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये 2 पीस लेके ये 2 ब्लैक के साथ इसको पहले मैं सेट कर लेती हूँ। तो देखिए, तो ये 2 पीस मैंने आपस में लगा ली हैं। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, वही बीच में से हम स्केल्स की मदद से लाइन लगाएंगे। और इधर इधर सिलाई लगा के सिल लेंगे। सेम ये भी हम ऐसे ही करेंगे कि बीच में इस तरीके से की लाइन लगा के और बीच में सिलेंगे। तो बाद में मैं इनको कट करूँगी। तो ये भी पीस फ्रेंड हम ऐसे करेंगे। ये 4 पीस जो मैंने बताया, 4 पीस हैं। तो क्या करेंगे, हम इनको इनके ऊपर रखेंगे और क्या करेंगे, फिर से हम लाइन लगाएंगे और लाइन लगा के पहले जैसे टुकड़ों के साथ हम साइड साइड में से सिलेंगे। तो मैं इन सब को पहले सिल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने इन सब पर पिन अप करके लाइनिंग लगा ली है। अब मैं फटाफट इसको सिल के दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे सिल गए हैं। अब क्या करेंगे, इसमें हम कट लगाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम बीच में से इसको कट कर लिया, इसको ओपन किया और इसको ठीक से प्रेस किया। ये प्रेस हो गया, ये जो हमारे कोने हैं ना, इनको हम कट कर देंगे। तो मैं सारे इसको कट करके दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कट कर लिए इनको, एक्स्ट्रा जो कोने थे वे कट कर लिए। अब क्या करेंगे फ्रेंड, अब हम इन 4 पीस को सबसे पहले सेट करेंगे। तो मैं पहले सेट कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सेट कर लिए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छी तरह देख लीजिए, इसको हम यहाँ रखकर सिलाई लगाएंगे और पलट देंगे। सेम इसको करेंगे, यहाँ सिलाई लगाएंगे और पलट देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये सिल गया। अब क्या करेंगे, अब इसको रख के यहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये मेरा बीच का कंप्लीट हो गया है। अब मैं इन टुकड़ों को भी सेट करके दिखाती हूँ। ये मैंने सेट कर लिया है सब। क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो मेरे ब्लैक पीस थे, ये मैंने आपसे 4.5 इंच के कटवाए थे। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कट करेंगे, हम इन पीस के बराबर लेंगे। ये 0.5 इंच का फ़र्क है और ज़्यादा कुछ नहीं। आप इन पीस को, मैं थोड़ा साइड में इसको, ये 0.5 इंच एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हम काट लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड, पहले मैं काट लेती हूँ, फिर आपको दिखा देती हूँ। अब क्या करेंगे फ्रेंड, ये मैंने कट कर लिए। अब क्या करेंगे, इन दोनों पीसों को और इन दोनों पीसों को, इन दोनों पीसों को हम सिलेंगे। इसको यहाँ रखेंगे और सिलाई लगा के पलट देंगे। इसको भी यही करेंगे कि इसको यहाँ करके यहाँ सिलाई लगा के पलट देंगे। पहले मैं आपको ये दोनों पीस सिल के दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों पीस मैंने सिल लिए हैं। अब क्या करेंगे, अब ये वाला पीस, इसको हम यहाँ सिल कर पलट लेंगे और इसको यहाँ रख कर सिल कर पलट लेंगे। तो मैं ये दोनों पीस आपस में जॉइंट कर लेती हूँ। पहले हम क्या करेंगे, डिजाइन को डिजाइन से बीच में करके पिन अप कर लेंगे। तो ये सिलाई से सिलाई को हमने मिला दिया है और यहाँ है पिन लगा लिए। तो हम यहाँ से सिल के फिर इसको सिल के आपको दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बीच का हमारा सिल गया है। अब क्या करेंगे, अब हम ये सारे लेंथ से सिलेंगे। इसको यहाँ रख के सिल देंगे, इसको इसके ऊपर रख के सिलेंगे और जैसे ये पीस है इसको भी इसके ऊपर रख कर सिलेंगे। तो हम पूरी ये लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ऊपर की लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम नीचे की लाइन को कंप्लीट करेंगे। तो ये मैंने सिल लिया है।
अब क्या करेंगे, इसको यहाँ रख कर पलटेंगे और इसको यहाँ रख कर पलट देंगे, तो हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये लाइन भी कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको पलटेंगे और इसको इस पर रखेंगे। पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहले है ना हम इन लाइनों पे पिन लगा लेंगे। तो मैं पिन लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिलाई को सिलाई के यहाँ जोड़ लिया है ये पिन अप करके। अब मैं पूरी सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा नीचे का कंप्लीट हो गया है। अब क्या करेंगे, हम ऊपर वाला सिलेंगे। तो ऊपर वाले को भी हम ऐसे रख कर पिन अप कर लेंगे, टुकड़ों से जॉइंट कर कर यहाँ यहाँ हम पिन अप कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितना खूबसूरत डिज़ाइन बना है। तो आप भी इस डिज़ाइन को बनाइए, देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन है। तो आप भी इस डिज़ाइन को बनाइए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।